बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो तीन हमारे सामने आती हैं ग्रेड 9th में। इंसानी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान का सामना है। पाकिस्तान में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की चंद मिसालें देखें तो उनमें आती है इंडस डॉल्फिन, मार्कोपोलो शिप, मार्कोपोलो बेड और हबारा बस्टर्ड। इनमें एंडेंजर्ड होने का जो खदशा है वो ये है मसाकन की तबाही, हैबिटेट लॉस और जाल में फंस जाना। सबसे पहले बात करते हैं इंडस डॉल्फिन की। WWF के मुताबिक पाकिस्तान के दरियाए सिंध में आज इस स्पीशीज़ के सिर्फ 600 जानवर बाकी रह गए हैं। इस स्पीशीज़ की आबादी में कमी, पानी की आलूदगी, मछलियों के शिकार वाले जाल में फंस जाना और मस्कन की तबाही से हुई है। अगर देखा जाए तो इसमें जो मेजर रोल है वो है इनके मस्कन की तबाही और इनका शिकार करना। पानी की आलूदगी जो है वो भी एक इसकी वजह है, लेकिन वो कदरे कम है। इसमें बचाव के लिए हमें इसके कंजर्व और इसके प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। अब हम बात करते हैं मार्कोपोलो बेड, मार्कोपोलो शिप। मार्कोपोलो बेड ज़्यादातर खंजराब नेशनल पार्क और इससे मुतसिल इलाकों में पाई जाती है। पिछली दो दहाइयों से इसकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। WWF ने इसके तहफ़ के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक खंजराब नेशनल पार्क के अलावा कराकरम के पहाड़ों में पाई जाती है और हिंदू कश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये वहाँ पर भी पाई जाती है। कुदरत के ये कारनामे और शाहकार जो हैं अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अता किए हैं, लेकिन किस्मत और वक्त की बात है कि पाकिस्तानी इनके तहफ़ के लिए देखते नहीं हैं, ख्याल नहीं करते हैं। खैर, अब हम देखें थारोली तो तीन हैं, इंडस डॉल्फिन, मार्कोपोलो बेड और हबारा बस्टर्ड, जिसमें हमने इंडस डॉल्फिन देख लिए, हबारा मार्कोपोलो शीप देख ली, हबारा बस्टर्ड रह गई। हबारा बस्टर्ड एक बर्ड है। ये परिंदा सर्दियों के मौसम में साबका स्वेत इलाकों से नकल मकानी करके यानी कि हिजरत करके पाकिस्तान आता है और चोलिस्तान और थार के सहराओं में क़याम करता है। इसकी पॉपुलेशन में कमी की वजह गैर मुल्कियों का इसे शिकार कर लेना है, यानी कि जब वो मुल्कों को क्रॉस करते हुए गुजरते हुए पाकिस्तान में आता है या जाता है पाकिस्तान से, तो लोग जो हैं वो गैर मुल्की लोग इसका शिकार कर लेते हैं, रस्ते में पड़ने वाले जो मुल्क हैं इसका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा इसके मसाकन की तबाही ये भी एक सबब है, इसकी वजह है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा।